Uh, पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से जी ट्वेंटी का अभी तक कन्वर्सेशन चला है उसमें जॉइंट uh, कम्युनिके uh, कितना फिजिबल लगता है ख़ास करके तब जबकि ठीक इसके पहले चाइना फिर एक मैप रिलीज़ करके uh, जिसको कहते हैं इरिटेशन खड़ा करना वो कोशिश कर रहा है कि अक्साई चीन अरुणाचल उसका पार्ट है हम uh, बहुत माइंडफुल हैं इस बात के लिए कि जी ट्वेंटी इकोनॉमिक कॉपरेशन का एजेंडा है और वहाँ हमको साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए फिर भी ये चाइना ओवरहैंग तो जाने वाला नहीं है नहीं दे, देखिए ये अलग अलग विषय मानचित्र पर चीन ने दोहरा रुख अपनाया भारत से कहा कि वह शांत रहे और अति व्याख्या न करे भारत ने नए मानचित्र पर कड़ा विरोध दर्ज कराया जिसमें भारत के सभी राज्य अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन और साथ ही पूरे दक्षिण चीन सागर को चीन की सीमा में दिखाया गया है चीन ने 30 अगस्त को 2023 के लिए एक नया मानक मानचित्र जारी करने का बचाव किया जिसका भारत ने विरोध किया है यह कहते हुए कि यह एक नियमित अभ्यास था और नई दिल्ली से इसे अत्यधिक व्याख्या करने से बचने के लिए कहा भारत ने मंगलवार को उस नए मानचित्र पर कड़ा विरोध दर्ज कराया जो सोमवार को जारी किया गया था और इसमें भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन और साथ ही पूरे दक्षिण चीन सागर को चीन की सीमाओं के भीतर दिखाया गया था जबकि इन क्षेत्रों को पिछले चीनी मानचित्रों में भी प्रदर्शित किया गया था नए प्रकाशन को नई दिल्ली ने एक अनावश्यक कदम के रूप में देखा जो पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक जटिल बना देगा खासकर सीमा मुद्दे पर जबकि चीन ने बुधवार को इस कदम को खारिज कर दिया बीजिंग ने अपनी ओर से 2019 में भारत के मानचित्र पर नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दिखाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी हालांकि नई दिल्ली ने तब बीजिंग को रेखांकित किया था कि मानचित्र ने भारत की बाहरी सीमाओं को नहीं बदला है उस समय भी बीजिंग ने इसका कड़ा विरोध किया था भारत के विरोध के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नक्शा नियमित था उन्होंने कहा चीन के लिए कानून के अनुसार संप्रभुता का प्रयोग करना एक नियमित अभ्यास है हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष वस्तुनिष्ठ और शांत रह सकता है और अधिक व्याख्या करने से बच सकता है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमारा क्षेत्र क्या है और बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता process, uh, right uh, issue, uh, जो आपका सवाल था uh, वो China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So, just by putting out a map claiming territories, uh, I mean uh, some of which are part of India, uh, I, I think is uh, doesn't make that. I mean these are very much part of India. So, uh, I, I I would say, but. I, you know, I would not uh, relate the two countries. I think we are very clear. We are very clear what our territories are. This government is very clear about what we need to defend our territories. You can already see that on our borders. Uh, so uh, I, I think uh, there should be no doubt uh, about that. Just making absurd claims doesn't make other people's territory yours. Let's be very clear on that. Agreed.